लाइन कैसे बनती है? क्रीज लाइन आपकी जैसे न्यूड कलर हो उससे बनती है। और क्रीज लाइन होती क्या है, ठीक? आप देखना, आपकी क्रीज लाइन जब आंखें बंद करो, आंखें बंद करने के बाद में जो एक लाइन बनती है ये आपकी क्रीज लाइन होती है। क्रीज लाइन पे हम क्रीज लाइन को कैसे बनाएंगे, हम इधर से करेंगे इस टाइप। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, क्रीज लाइन। जब किसी को आई शैडो करेंगे तो सबसे पहले हम क्रीज लाइन बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद में क्रीज लाइन बनाने के बाद में थोड़ा सा इसको फैला देते हैं। फैलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, क्रम्पिंग ब्रश और आई शैडो। इस पर ब्रश पे बहुत कम आई शैडो यूज करेंगे, ठीक। इसको बहुत कम कम, ज़्यादा नहीं। ये हमारी क्रीज लाइन बन गई है ना। ये हमारी क्रीज लाइन बन गई, डन डन। अब इसमें हम जो भी ड्रेस पहनी होंगी, जैसे ये हम ग्रीन पहने हैं, ग्रीन और वाइट है, तो क्या करेंगे हम, जो पीछे की एरिया होगी, अरे वो दीदी वो नहीं लगाई है, ठीक। इसकी जो पीछे वाली एरिया होगी, ड्रेस के हिसाब से करते हैं, जो पीछे वाली एरिया होती है उसको पीछे से हल्का लगा दिया, ठीक। और आगे गोल्डन, आपका जो लाइट कलर होता है वो आगे होता है और डार्क कलर आपका पीछे होता है, ठीक। तो हम यहाँ हल्का सा गोल्डन लगा लेंगे। अब इसके पीछे ग्रीन कलर कर देंगे। करने के बाद में अभी देखो, ये लग रहा है यहाँ लाइट कलर है, यहाँ डार्क है, लग रहा है ना। अब इसको दोनों को एक में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए क्या, ब्रश को ऐसे ऐसे चलाएंगे और हल्का ब्रश चलना चाहिए, बहुत हल्का हल्का। ये आपका इनर कॉर्नर होता है, ये आउटर कॉर्नर होता है, ये आपकी क्रीज एरिया होती है, ये हाइलाइटिंग एरिया होती है, जो आईब्रो के नीचे होती है इसको हाईलाइट करते हैं, जो ये आईब्रो के नीचे हुई तो इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक। ताकि हमारा पता चले कि इसके ऊपर वाले जो हिस्सा है वो आईब्रो वाला है, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो आपका क्रीज एरिया है, मतलब वो हाईलाइटर एरिया है, ठीक। इसके नीचे आंखों का मेकअप, इसके ऊपर आईब्रो, ठीक। हाइलाइटिंग के ऊपर आईब्रो और इसके नीचे आपके आंखों का मेकअप, ठीक। और ये बीच का एरिया थोड़ा सा रहना चाहिए, ये जो ये इधर दिख रहा है थोड़ा सा रहना चाहिए। अगर साइनर वगैरह लगाना है तो यहाँ पे टच करके ऐसे से करके लगा देंगे। ये हमने लिया हल्का सा टच करके साइनर। अब जब भी साइनर, मतलब वो साइनर लगाएंगे तो फिंगर से, ये जो आपकी ये उंगली होती है अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, ठीक। इसकी इसमें फिंगर से लेंगे और लेने के बाद में यहाँ पे हल्का हल्का डिप करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, ऐसे 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 बिल्कुल डिप करेंगे, ठीक। डिप करने के बाद में आपका जितना भी फाउंडेशन आंखों पे होगा उतना लग जाएगा, ठीक। और फिर आईलाइनर लगा देंगे, आपका आंखों का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक। और आंखों पे आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले आंखों पे सीटीएम भी करना जरूरी होता है आंखों पे। तो सीटीएम पता होगा सबको, सीटीएम करेंगे
सीटम करने के बाद में सबसे जो लाइट आपका फाउंडेशन होगा, सबसे लाइट, लाइट मतलब आपकी स्किन से कई टोन ज़्यादा वाला फाउंडेशन आप यूज करेंगे। जितना लाइट फाउंडेशन यूज करेंगे उतना ही आई शैडो के जितने जो कलर हैं वो मैचिंग अच्छे से मतलब कलर जो उभार के आएंगे। अलग अलग देखो मैंने ऐसे ही किया है, ठीक। उसके बाद में आईलाइनर जब लगाते हैं, किसी रात हमारे वहाँ पार्लर वाली मैडम आई थी मेरे लगा, ठीक क्या करेंगे यहाँ से लग गया, ठीक ये पूरा आपका एक एरिया बन गया। एरिया बनने के बाद में क्या करेंगे इसको यहाँ से थोड़ा पतला पतला, अरे ग्रुप पे वीडियो डाल देंगे कुछ देख लेंगे, करने के बाद में इसमें फिल कर देंगे इसको पूरा। अब इसकी आई साइड हो गई तो ठीक है, बढ़िया है। अब दोबारा आप जब लोग करोगे तो ऐसे ही करोगे, दूसरी तरह तो बंजरिया तो नहीं बनाओगे, बाद में लोग तारीफ करते बहुत अच्छा किया हम सोच के। आप लोग ऐसे ही करना, अगर आप लोग किसी के फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये काय पैलेट खरीद लो, ठीक, और उसके बाद में अप्लाई करो। अच्छी क्वालिटी के खरीदना, मीशो पे देख के मत ज़्यादा खरीदना, क्योंकि ये चीज़ होती है ना तो आपकी जैसे आप अच्छी क्वालिटी के खरीदोगी तो ये चीज़ जल्दी आपको घिसता नहीं है, और मतलब थोड़ा हाई क्वालिटी मतलब खरीद लो ना तो ये इसके बाद में एक में डालने के बाद में आपकी ये इसे निकलने लगती है, ठीक, तो एक दो बार यूज कर सकते हो बाकी हट जाती है, तो अच्छी क्वालिटी देख के यूज करना। तो मेरे पीछे भी सपोर्ट एरिया है, तो ये जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा, जब तक है ना तब तक है ये, जब तक है जब तक है जा ये नाचेगी।